Hello everyone, welcome back to my channel Ask Dr. Suman. Friends, आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में. हाइट कैसे बढ़ाई जाए, इसके चार टिप्स मैं बताऊंगी. अगर वो आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हाइट बढ़ सकती है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाइट जो है वो 80% वो जीन्स पे डिपेंड करती है. यानी कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो आपकी भी हाइट अच्छी हो सकती है. अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो आपकी हाइट जो है वो 80% उस पे डिपेंड करती है, लेकिन 20% जो है वो आप अच्छी डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके, इस तरीके से भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जो हाइट होती है वो एक ग्रोइंग एज में ही बढ़ सकती है. यानी कि 12 से लेके 21 साल तक आपकी हाइट बढ़ सकती है. उसके बाद 21 साल के बाद जो हाइट है वो बहुत ही मुश्किल से बढ़ती है, ना के बराबर ही. हाइट जो है वो कोई टॉनिक लेने से या कोई मेडिसिन लेने से तुरंत नहीं बढ़ सकती है. ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसको करने से आपकी धीरे धीरे हाइट बढ़ती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइट बढ़ाने के क्या क्या टिप्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा. अश्वगंधा है वो आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मिलती हैं. तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपको एक पाउडर फॉर्म में लेना है 100 ग्राम. और सेकेंड है शतावरी, ये भी आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर पर मिल जाएगा, ये भी आपको पाउडर फॉर्म में लेना होगा 25 ग्राम. और उसके बाद है मिश्री, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही हार्ड फॉर्म में आती है, उसको पीस कर उसका पाउडर बनाना है, वो हमें लेनी है 125 ग्राम. और तीनों पाउडर को हमें मिक्स करके एक कंटेनर में स्टोर कर लेना है. तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो हमने पाउडर बनाया है इसको हमें मिल्क के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है. दूध बट किसका होना चाहिए, कैमल मिल्क के साथ लेना है, क्योंकि कैमल की हाइट भी बहुत अच्छी होती है. तो इसीलिए हाइट बढ़ाने के लिए कैमल मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो कैमल मिल्क है वो कैसे मिलेगा, कैमल मिल्क है वो पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं. अगर आपको कैमल मिल्क पाउडर जो है नहीं मिलता है तो आप काऊ मिल्क के साथ भी ले सकते हैं. अब इस पाउडर को लेना कैसे है, इसको लेना है अगर आपकी एज है वो 15 ईयर से कम है तो आपको हाफ स्पून लेना है, और अगर आपकी 15 के अबव एज है तो आपको 1 स्पून लेना है मिल्क के साथ में. लेकिन आपको दोनों टाइम लेना है, मॉर्निंग में भी लेना है और इवनिंग में भी लेना है. लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप ये पाउडर ले रहे हैं तो आपको इमीडिएट कुछ खाना नहीं है. यानी कि आप या तो ब्रेकफास्ट से पहले ले लें या ब्रेकफास्ट के बाद ले लें. आप रात को जो हैं आप सोने से पहले लेके सोएं. तो इस तरीके से आपको ये लेना है. आपको 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस लेना है, उसके बाद आप अपना जो हाइट है वो मेज़र करके देखिए, डेफिनेटली आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी. इसके साथ हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो वो है सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं डाइट की. डाइट में भी हमें बहुत ध्यान देना होगा, हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारी हाइट बढ़ सके. जैसे कि हमारी जो डाइट में है वो कैल्शियम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी डाइट में विटामिन डी अच्छा होना चाहिए, मैग्नीशियम अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए. ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी हाइट बढ़ाने में हेल्प करती है. कैल्शियम के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा होता है. तो आप दूध लें, बटर मिल्क, कर्ड, पनीर, ये सब लें, और उसके साथ में आप एग लें, तो इन सब में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है. और कैल्शियम सबसे अच्छा जो होता है क्वांटिटी में वो फेनुग्रीक सीड्स में होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं. विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से मिलता है, तो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सरसाइजेज हैं वो पार्क में करें, ओपन एरियाज़ में करें जहाँ पर आपको सनलाइट भी मिल सके. प्रोटीन के लिए सब तरीके की दालें खाएं, छोले, चने, राजमा, ये सब खाएं, सोयाबीन खाएं, इन सब में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है. ड्राई फ्रूट्स लें और
दालों में सबसे अच्छा जो प्रोटीन होता है वो उड़द में होता है। साबुत उड़द खा सकते हैं आप, उड़द की दाल खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स लें तो इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। और मैग्नीशियम लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम के लिए आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। ये मैग्नीशियम है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो डाइट में ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी हाइट बढ़ सकती है। मैंने जैसे कहा कि कोई एक सिंगल चीज़ आपकी हाइट को बूस्ट नहीं कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक साथ वर्क करती हैं और तब जाके आपकी हाइट अच्छे से बढ़ सकती है। तो आपको डाइट पे भी बहुत फोकस रहना है। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी हाइट बढ़ सकती है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, और जब वो ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो एक्सरसाइज में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हमारी हाइट बढ़ सके? तो जंपिंग कीजिए आप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए और स्पोर्ट्स खेलिए। कोई भी स्पोर्ट्स है वो आप खेलिए, जिससे आपकी जंपिंग भी हो, एक्टिविटी हो बहुत ज़्यादा बॉडी की। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ये सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं हाइट बढ़ाने के लिए। तो आपको ये डेली रूटीन में आपको करनी चाहिए। एक चीज़ से हाइट नहीं बढ़ेगी, आपको सारी चीज़ें करनी होगी तभी आपकी हाइट बढ़ सकती है। अब है स्लीप, यानी कि हमें नींद अच्छे से लेनी चाहिए, क्योंकि नींद अगर हम अच्छे से लेते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। एक तो है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं जब हम नींद लेते हैं तब एक्टिवेट होते हैं, और जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो ये ज़्यादा रिलीज होते हैं और अपना एक्शन करना शुरू करते हैं। इनका क्या एक्शन है? ये हमारे बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से रिलीज होंगे तो हमारी हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी। तो इसका मतलब है हमें डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से नींद लेंगे तो ही आपका ये जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे और आपकी हाइट बढ़ सकेगी। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको बार बार, एक चीज़ से हाइट नहीं बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज हाइट के बारे में वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग।